ऋषभ पंत अगर एक टांग से खेलने के लिए भी फिट हैं तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप खिला दीजिए। कुछ ऐसी राय है इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर यानी कि सुनील गावस्कर की, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया के स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत को बैक किया है। अब ऋषभ पंत जो कि पिछले एक साल से इंजरी की वजह से, यानी उनकी जो सड़क दुर्घटना में हादसा हुआ था उसके बाद इंजरी की वजह से लगातार एक साल से ऋषभ पंत इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले एक बड़ी अपडेट आई थी जिसमें कहा गया था कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए IPL 2024 में वापसी करने वाले हैं और वो अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया था कि ऋषभ पंत जरूर दिल्ली के लिए एज अ बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए 20 ओवर्स तक विकेट कीपिंग ना करें। अब इसके बाद सुनील गावस्कर ने एक बड़ा बयान देते हुए यहां पर कहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले मेरी एक थोड़ी सी अलग राय है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस टाइम इंडियन टीम का सिलेक्टर होता तो अगर ऋषभ पंत एक पैर पर खेलने के लिए भी फिट हैं तो मैं उन्हें T20 वर्ल्ड कप में जरूर खिलाता, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में गेम चेंजर साबित हो सकता है और ऋषभ पंत को आप ओपनर, मध्य क्रम में और नंबर 6 या नंबर 7 कहीं भी खिला सकते हैं, और ऐसे एक खिलाड़ी का आपकी टीम में होना बहुत बड़ा यहां पर एडवांटेज हो सकता है इंडियन टीम के लिए। अब ऐसे में सुनील गावस्कर का यह बयान काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत जो कि लगभग एक साल से इंडियन टीम से बाहर हैं, उनके पास ना कोई मैच प्रैक्टिस है ना ही अभी तक उनकी फिटनेस प्रूव हुई है, लेकिन सुनील गावस्कर चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर ऋषभ पंत को खिलाए। अब अगर इस टाइम इंडिया के विकेट कीपर्स की बात करें तो काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टाइम कॉन्टेंशन में बने हुए हैं। अब इसमें संजू सैमसन, ईशान किशन, जितेश शर्मा और KL राहुल का नाम शामिल है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए जहां संजू सैमसन की इंडिया के T20I सेटअप में वापसी हो चुकी है, जबकि जितेश शर्मा को एक बड़ा मौका दिया गया है अफगानिस्तान सीरीज में, दूसरी तरफ KL राहुल और ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इन सभी खिलाड़ियों की अगर एक बार बात करें तो KL राहुल लंबे समय से T20Is नहीं खेले हैं, जबकि संजू सैमसन भी काफी टाइम से T20Is नहीं खेले थे, लेकिन उनकी अब अफगानिस्तान सीरीज में वापसी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर ईशान किशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन दिखाने के बाद उन्हें ना ही साउथ अफ्रीका सीरीज खिलाई गई और अब अफगानिस्तान सीरीज से भी ईशान किशन का पत्ता कट चुका है। ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार इस टाइम जितेश शर्मा माने जा रहे हैं, जो कि लोअर ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। और टीम इंडिया में जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है तब से सिर्फ एक जितेश शर्मा ही ऐसे विकल्प नजर आते हैं जो कि लोअर ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और उस पोजीशन पर खेलने के लिए एक प्रबल दावेदार हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सुनील गावस्कर की ये राय मानकर अगर ऋषभ पंत IPL में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और विकेट कीपिंग के तौर पर फिटनेस को प्रूव कर देते हैं तो क्या ऋषभ पंत को टीम इंडिया में वापसी करनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, या फिर जितेश शर्मा, ईशान किशन या संजू सैमसन में से ही किसी एक खिलाड़ी को टीम इंडिया का विकेट कीपर होना चाहिए 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए? अब इस बारे में आपकी जो कुछ भी राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, और ऐसे ही वीडियोज के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।